हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड को डाउनलोड करते समय जब भी हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो जो हमारा 16 अंकों का आधार नंबर होता है उसे हम किस तरीके से शो करा सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर हमारे आधार कार्ड पर नंबर नहीं आते हैं और ऐसे में अगर हम उस आधार कार्ड के प्रिंट को कहीं पर बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जिसमें आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है तो वहां पर वो आधार कार्ड नहीं चल पाता है। तो ऐसे में अब बात करेंगे कि आखिर आधार कार्ड नंबर वाला कि किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और बिना नंबर वाला हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था, जब भी मैं अपनी बैंक में खाता खुलवाने गया था और वहाँ पर जब भी मैंने अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट को दिया तो ऐसे में वहाँ पर मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं था, तो उन्होंने बैंक मैनेजर ने वहाँ पर मना कर दिया था कि इस पर आपका आधार नंबर नहीं है। तो इस पर सबसे पहले तो आधार नंबर वाला आप प्रिंट आउट निकलवाएं, तभी आपका खाता खुल पाएगा। तो इसे किस तरीके से डाउनलोड करना है तो वो आज की इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं तो हमसे 50 रुपये ले लिए जाते हैं और ये कि बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है और आप अपने मोबाइल पर ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका है वो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें आपको लिखना है UDI, ठीक है। इस तरीके से लिखकर आप सर्च करेंगे तो ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मिल जाएगा गेट आधार, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा आधार डाउनलोड या डाउनलोड आधार, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर तीनों चीज़ों से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार और आपको इनरोलमेंट आईडी, इसी के साथ में वर्चुअल आईडी। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर और अपना यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर सेंड ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर डालना है। पर इससे पहले अगर आप यहाँ पर नंबर वाला आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल गया है डू यू वांट ए मास्क आधार, तो इस पर आपको टिक करना नहीं है। और आपको यानी कि बिना नंबर वाला आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है। तो चलिए मैं बिना नंबर यानी कि नंबर वाला ही आधार कार्ड डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना OTP डालकर वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही हम वेरीफाई पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा आधार है वो यहाँ पर PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, पर PDF फाइल लॉक होगी। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे कैपिटल में और इसी के साथ में लास्ट यानी कि 2099/2002, तो वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डालने के बाद आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लिया है नंबर वाला, सिक्योरिटी की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ। इस तरीके से आप आधार नंबर वाला और बिना नंबर वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।